यार बस वो गेम ज्वाइन ना करे, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी यार, बहुत गंदे वाले। ज्वाइन कर लिया भाई, गेम ज्वाइन कर लिया यार। भाई भाई प्लीज भाई यहाँ मत आइयो यार। हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइज आज मेरे को मेरे फ्रेंड के सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो मिल चुका है। एंड मैं आपको बता दूँ वो इस सर्वर में अपनी एसएमपी चलाता है। एंड आज हम उसके एसएमपी में जाके फुल तबाही मचाने वाले हैं। हम उसके सर्वर में चोरी छुप के जाने वाले हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चोरी छुप के क्यों जा रहा हूँ, तो भाई मैंने उसको पहले ही बोला था प्लीज़ मुझे अपनी एसएमपी में ले ले, तो उसने मेरे को साफ मना कर दिया कि मैं तेरे को नहीं लूँगा एसएमपी में। हाँ तो चलो गाइज बातें बाद में करते हैं, सबसे पहले उसके सर्वर में चलते हैं। हाँ तो गाइज यही है उसका सर्वर टेडी एसएमपी, जो आप सबसे ऊपर वाले में देख पा रहे हो। एंड चलते हैं उसकी एसएमपी में। हाँ तो गाइज अभी मैं फ़िलहाल उसके सर्वर में स्पॉन हो चुका हूँ। एंड पूरी तरफ हरियाली हरियाली है, यहाँ पे एक पेड़ भी है। तो सबसे पहले पेड़ को कट करते हैं एंड यहाँ पे एक बेसिक से टूल्स वगैरह बना लेते हैं। एंड हमें उसके अभी एसएमपी भी खोजनी पड़ेगी, पता नहीं उसने किधर पे बनाया है। एंड सबसे पहले वुड कलेक्ट करते हैं एंड क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और थोड़ी से वुड वगैरह भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आसपास तो बहुत सारी हरियाली हरियाली दिख रही है मेरे को, कहीं भी एसएमपी का पूरा नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ना हम ऊपर चलते हैं ऊपर यहाँ। हाँ तो सबसे पहले इधर पे ऊपर चलते हैं एंड ऊपर से हमको साफ साफ दूर दूर तक नज़र आ जाएगी इसने एसएमपी कहाँ पे बनाई है। सबसे पहले हम थोड़े बेसिक से टूल्स बना लेते हैं, बस मुझे इस बात का डर लग रहा है कि वो सर्वर में ना आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टिक बना लेते हैं एंड एक पिकैक्स भी बना लेते हैं और एक पिकैक्स बना लेते हैं, बस और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ तो यहाँ पे ऊपर चलते जाओ शाबाश और इसी तरह से। एंड यहाँ पे एक मुर्गी दिख रही है नीचे, और कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो एक सेकेंड, वहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को, कुछ तो दिख रहा है। अरे वो रहा उसका घर, ओ तो उसने यहाँ पे अपना घर बनाया है। वाह भाई मुझे क्राउच करना पड़ेगा, कहीं वो अपने घर के पास स्पॉन हो, गेम ज्वाइन ना कर ले। वैसे सर्वर में तो फिलहाल मैं ही हूँ अभी। हाँ तो मेरे को बहुत सावधानी से उसके घर के पास जाना होगा, बस क्राउच से हटाना नहीं है अपने आप को, नहीं तो वो स्पॉन हो गए ना तो मेरे पीछे लग जाएगा वो। हाँ तो जल्दी फटाफट से चलते उसके घर पे। अरे यहाँ पर एक केव ही है शायद से। और हाँ मैंने अभी तक स्टोन के टूल्स भी नहीं बनाए, तो सबसे पहले हम अपने स्टोन के टूल बना लेते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत स्टोन माइन कर लेते हैं एंड इससे अगर जो वो हमारे पीछे भी पड़ जाएगा मारने के लिए तो हमारे पास थोड़े से ज़्यादा तगड़े हथियार होंगे। हाँ तो यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टोन जो है वो कलेक्ट कर लूँगा, कोबल स्टोन। हाँ तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टोन कलेक्ट कर लिए एंड अभी फटाफट से ऊपर चलते हैं। ये उसका घर किधर पे गया? हाँ इस तरफ से हो शायद, हाँ वो है उसका घर। हाँ तो यहाँ पे हम बिल्कुल सावधानी से चलते हैं उसके घर पे। एंड एक सेकेंड मैं यहाँ पे थोड़े स्टोन के टूल्स भी बना लेता हूँ। यहाँ पे एक तलवार बना लेता हूँ और एक एक्स, बस इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल अभी तो। और यहाँ पे मुर्गी आ गई, मुर्गी मर तू मरने के लायक है यार, अब कहाँ भाग रही है? हाँ मर गई। हाँ तो यहाँ पे थोड़ा खाना भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारी गाय भैंस घूम रही है। मर तू, तू मर, मरने के लायक है तू। बस यार प्राणी को मारना ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा है मेरे को, पर क्या करे, खाना भी कलेक्ट करना ज़रूरी है। हाँ तो मैं भागता भागता फ़िलहाल इसके घर के पास आ चुका हूँ एंड यहाँ पे इसके पेट क्या अब गाय भैंस भी पाल रखे इसने। सबसे पहले इसका थोड़ा खाना कलेक्ट कर लेते हैं इसकी भैंसों को मार मार के। एंड अभी हम इसके घर के अंदर भी जाने वाले, देखते हैं इसने क्या कुछ कर लिया है अब तक। वैसे ये 2-3 हफ्तों से खेल रहा है, स्टार्ट किए इस एसएमपी को 2-3 हफ्ते ही हुए हैं इसको। और इसके एसएमपी में पता नहीं कितने मेंबर, शायद से 2 या 3 मेंबर है इसके एसएमपी में। हाँ तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये भी वीट भी कलेक्ट कर लेते हैं शायद से, हाँ वीट ही कहते हैं इसको, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। और हाँ वीडियो देखने से पहले आगे और कमेंट करने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको कॉपी लग रही होगी किसकी कॉपी की है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगी। तो एक बार कमेंट करने से पहले डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना। और हाँ अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 100 लाइक्स का, आई होप आप कम्प्लीट करवा दोगे, तो जल्दी से कम्प्लीट करवा देना। हाँ तो फिलहाल अभी मैं इसके घर पर आ चुका हूँ और इसने एन्चेंटमेंट सब लगा रखी है, यहाँ पे देख सकते हो। ओ यहाँ पे डायमंड आर्मर भी है, वाह। सबसे पहले हम इसकी चेस्ट चेक कर लेते, क्या पता हमें नेदराइट आर्मर भी मिल जाए
इसके इसने कोई सीक्रेट बेस बना रखा होगा। तो इस चेस्ट में क्या है? वाह, इस चेस्ट में तो इसने कचरा भर रखा है। वैसे सब सामान कचरा नहीं है, कोई कोई सामान काम का भी है, इसमें बहुत सारा सामान काम का भी है। तो सबसे ओ TNT भी रखा है इसने। हाँ तो सबसे पहले इसका सामान जो वो कलेक्ट कर लेता हूँ, जो जो मेरे को चाहिए। हाँ तो मैंने ऑलमोस्ट सामान कलेक्ट कर लिया है, जो जो मेरे को चाहिए। और इस वाली चेस्ट में देखते हैं इसमें क्या है। ओ इसमें खाना है, तो सबसे थोड़ा सा खाना भी ले लेते हैं, क्या बात है। हाँ तो मैंने थोड़ा बहुत खाना भी ले लिया है। और इस चेस्ट में देखते हैं, वाह भाई साहब इतने सारे डायमंड्स, गोल्ड और आयरन भी, भाई क्या बात है यार। हाँ तो डायमंड के टूल्स भी बन जाएंगे अपने, एंड गोल्ड से हम थोड़े गोल्डन एप्पल वगैरह भी बना लेंगे, आयरन भी मिल चुका है। एंड हम इस चेस्ट में देखते हैं इस चेस्ट में क्या है। इस चेस्ट में तो कुछ भी नहीं है, इस चेस्ट में इसमें भी कुछ भी नहीं है, और इस चेस्ट में भी कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल आसपास देखता हूँ, क्या पता इसने कोई सीक्रेट बेस बना रखा हो। हाँ तो यहाँ पे इसका इंचेंटमेंट टेबल है, वैसे इसका इंचेंटमेंट टेबल है, तो इसने अपने टूल्स भी इंचेंट कर लिए होंगे, तो मतलब वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल है इस वक्त। तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेट बेस तो मेरे को इसका दिखा नहीं है। एंड घर के पीछे देखते हैं, क्या पता इसने घर के पीछे बना रखा हो। और यहाँ पे इसने ट्रैप डोर लगा रखी है, इसको खोल देते हैं। भाई बस वो गेम ज्वाइन ना कर ले, वरना मेरी वाट लग जाएगी बहुत गंदे वाली। अरे यार उसने गेम ज्वाइन कर लिया। ओ ओ भाई भाई बस इधर पे ना आ जाए वो। हाँ तो गाइज उसने अभी फ़िलहाल गेम तो ज्वाइन कर लिया है, एंड मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरने वाला, क्योंकि वो, अरे भाई उसके पास डायमंड आर्मर है भाई, वो भी इंचेंटमेंट। यार मेरे पास अभी तक एक आयरन का आर्मर भी नहीं है। हाँ तो सबसे पहले मैं अभी अपने लिए आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। यार काश मैं उस डायमंड आर्मर को पहले ले लेता यार, लालच बुरी बला यार मेरे को आज पता चल गया। वैसे ये कर क्या रहा है, एक सेकंड देखने दो मेरे को, ये शायद से बाहर जा रहा है। अरे फिर अंदर आ गया ये भाई, अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसका मेरे को। हाँ तो गाइज मैंने अभी फ़िलहाल अपने लिए फुल आयरन आर्मर बना लिया है, और थोड़ी बहुत टूल्स भी बना लिया। तो अभी इससे पंगा लेने के लिए बिल्कुल वो रेडी हूँ मैं। अब ये यहाँ पे आके चेस्ट चेक करने लगा भाई। यार ये भाई इसको शायद से शक हो गया भाई ये। ओ भाई इसने डायमंड वाली चेस्ट देख ली। ओ भाई ये पागल हो गया शायद भाई, इसको शक हो गया, अब बाहर जा रहा है ये। गाइज इसको जरूर से कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने इसकी गाय भैंस भी मारी थी। तो गाइज इसको फिलहाल अभी शक हो गया शायद से, मेरे पीछे ही है ये, इधर पे ये। अरे यार भाई इसने देख लिया, मेरे को देख लिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है छुपने का। इसको हम यहीं मारते, इसको बो से मारते हैं। एक सेकेंड भाई, अब क्या फ़ायदा यार, बो से ही मारेंगे हम इसको। अब इससे आ जा तू ले ले पंगे भाई, आ जा, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो गाइज ये फिलहाल मेरे पीछे पड़ चुका है यार, मैंने इसके डायमंड ही गलत लिए, इसको शक हो गया। अब ये मेरे पीछे पड़ चुका है बहुत गंदी तरह, ना ही मेरे पास डायमंड का आर्मर है, इसके पास फुल्ली डायमंड का आर्मर है यार। तो दोस्तों मैंने गलती कर दी है यहाँ पे यार, इतना ऊपर आ गया हूँ मैं, मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है MLG के लिए, मैं जाऊँगा कैसे। आ जा, रुको रुको रुको, एक सेकेंड, आ जा भाई आ जा। अरे अरे बो मार रहा है ये तेरी, ऐसी की तैसी भाग नीचे भाग। भाई नीचे गिरा दिया उसको यार, इसके पास तो वाटर बकेट भी है। अबे नूबड़े कहीं के, बो से मार रहा है। आ जा हिम्मत, आ जा PVP कर ले हिम्मत हो तो। यार ये मानेगा नहीं मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो ये मेरे को मार डालेगा। देखो भाई कैसे पड़ा हुआ है मेरे पीछे यार, इसको शर्म भी नहीं है कुछ, बो से मार रहा है यार। इसे भाग भी है भाई, मेरे को तब से भगा रहा है यार, भगाए जा रहा है ये मेरे को। सबसे पहले मेरे को भागना पड़ेगा यार, इससे बचना पड़ेगा, मैं इससे बिल्कुल भी पंगे लेना नहीं चाहता यार। एक तो इसके पास डायमंड का आर्मर, मेरे पास आयरन का आर्मर, वो भी इंचेंटिंग में नहीं है भाई यार, इसको मारना पड़ेगा। रुक तेरी ऐसी की तैसी। गया नीचे। हाँ तो गाइज मैं कह रहा था मेरे को इससे जान बचानी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे को मार देगा। अगर मैं एक बार मर गया ना तो मेरे सब डायमंड्स वगैरह सब चले जाएंगे। मेरे को सबसे पहले इसके घर से वो डायमंड का आर्मर लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ओ बच गया भाई, बच गया, थैंक गॉड यार, वाटर डाल दिया था इसने, ये सबसे बड़ा नूब है यार, ये वाटर डाल दिया था इसने। हाँ तो गाइज मेरे को ना कहीं पे छुपना पड़ेगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे मेरे को देख ना पाए। सबसे पहले तो इससे दूर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा नेम टैग देख लेगा यार। वो ये पीछे ही आ रहा है, आ जा बेटा तू, आ जा, तेरी खैर नहीं आज। अबे यार पीछा भी छोड़ दे यार भाई, इसके डायमंड्स का ले लिया यार, ये तो मेरे को भगाए जा रहा है यार, पीछा भी नहीं छोड़ रहा है ये मेरा। एक दो दिन खाना खाते हैं यार। सबसे पहले ये गया कहाँ, किधर पे, और वो वहाँ पे आ रहा है, भागो भागो भागो। हाँ तो गाइज मैं अभी फ़िलहाल इस पेड़ के ऊपर छुप चुका हूँ, एंड बस ये देख ना ले मेरे को। और यार ये ब्लॉक प्लेस कर रहा है, देख लिया भाई, ये देख लेगा मेरे को, देख लेगा, भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ नीचे छुप जाऊँ, अंडरग्राउंड हो यार, कोई केव भी तो नहीं मिल रही है जो मैं केव में जाकर छुप सकूँ। हाँ तो गाइज मेरे हिसाब से मैंने उसको पीछे छोड़ दिया है, वो मेरे को नहीं देख पाएगा। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे नीचे छुप जाते हैं, एंड ऊपर एक डर्ट भी लगा देते हैं,
आई होप ये मेरे को ना देख पाए, वैसे ये मेरे से बहुत दूर है।